नमस्कार। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस के ऊपर बात कर लेंगे, सीयूसीटी के, कि आप सभी के सिलेबस क्या क्या आने वाले हैं। तो सिलेबस आप सभी का दो भाग में होता है, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप सभी के होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट और पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में आप सभी के जो मतलब सिलेबस होते हैं, जो टॉपिक्स आते हैं, वो उन सभी को आप लिख लीजिए और यूट्यूब पर सर्च कर करके इन सभी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जीके है, जीएस है, जीके जीएस मतलब सेम अलग अलग कुछ क्राइटेरिया में बटा होता है। फिर इंग्लिश है, इंग्लिश तो आनी आनी होती है। रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड आता है और क्वांट्स क्वेरा, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये टॉपिक्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर सीयूसीटी होता है तो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ये आने हैं। फिर हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के ऊपर। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आप सभी, जैसे मान लीजिए कि ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप बीए करना चाहते हैं, तो बीए के अंदर आप सभी के ट्वेल्थ क्लास के जो भी मतलब सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो इन तीन से चार सब्जेक्ट को आप सभी को मिलाया जाएगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन सभी में से ही क्वेश्चन बने जाएंगे और इन सभी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है आप सभी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। सभी को बीए का एग्जांपल दिया, तो वैसे ही आप कॉमर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब बीकॉम का एग्जांपल ले सकते हैं। उसमें आप सभी के बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स तीन से चार सब्जेक्ट मेन रहते हैं, उसी को ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक मान लिया जाता है। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक और एप्टीट्यूड टेस्ट, इन दोनों को टेस्ट को मिलाकर आप सभी के 100 मार्क्स के सीयूसीटी एग्जाम होते हैं। और टाइमिंग इसमें होती है 2 आवर्स की। जो 2020 में सीयूसीटी हुए थे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, उन सभी के ये हुए थे। तो और आप क्वेश्चन पेपर भी प्रीवियस ईयर का आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का सीयूसीटी का, तो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन और ये अपडेट्स आप सभी के लिए बेस्ट रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।